आज हम दही की अरबी बनाएंगे, जिसके लिए हमने 250 ग्राम अरबी ली है। हम पहले इसको उबाल लेंगे और फिर ठंडा करके छील लेंगे और हम मोटे मोटे पीस में काट लेंगे। अरबी उबालते समय हमें ध्यान रखना है, एक सीटी आते ही इसको फटाफट खोल देंगे, नहीं तो अरबी बहुत ज़्यादा गल जाएगी। दही की अरबी बनाने के लिए हम 2 चम्मच दही लेंगे और फिर उसको फेंट लेंगे, उसमें फुटक होती है इसलिए अच्छी तरह फेंटेंगे। फेंटने के बाद हम उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डाल के उसे अच्छे से मिलाएंगे और फिर हम छन्नी में छान लेंगे। अब हम छानेंगे जिससे उसकी फुटक निकल जाए और स्मूथ हो जाए। अब हमारा पैन गरम हो गया है, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब फिर गरम होने पे उसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब अजवाइन तड़कने लगी है, इसमें हम 1 चम्मच राई डाल देंगे। अब राई भी तड़कने लगी है, राई के तड़कते ही हम इसमें काली मिर्च और लौंग डाल देंगे। हम इसमें 5-7 पत्ते करी पत्ते के डाल देंगे। फिर इसके बाद हम 1/2 इंच कटा हुआ छोटा छोटा अदरक डालेंगे। अब हम इसको चलाएंगे धीरे धीरे मीडियम आंच। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची और 2 मोटी मिर्च कटी हुई डालेंगे और फिर हम इसको चलाएंगे। अब ये मसाला भुन गया है, अब हम इसमें दही का पानी जो था वो डाल देंगे और फिर हम इसको चलाते रहेंगे। जब तक चलाएंगे इसको उबाल आ जाए अच्छा सा और ये फटे नहीं, नहीं तो दही फट जाता है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको थोड़ी देर उबलने देंगे। पानी में उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें अरबी डाल देंगे। अभी हमारी ग्रेवी उबल गई है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ गया है और कलर भी। इसको हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे क्योंकि गाढ़ी हो जाएगी, इसका रसा पतला रहता है तो ही बहुत टेस्टी लगता है। अब उबली हुई अरबी हम इसमें डाल देंगे। अब ये कितना अच्छा टेक्सचर आया है, हम इसे 5 मिनट के लिए उबलने देंगे और ढक देंगे। अब हम इसे चेक करेंगे और चलाएंगे, देखें ये बहुत अच्छी उबल गई है। इसे थोड़ा और उबलने देंगे जिससे अरबी की चिकनाहट इसमें आ जाए और ये टेस्टी हो जाए। अच्छा, खाने को जितना प्यार से और दिल से बनाया जाए खाना उतना हेल्दी होता है, खाने वालों की हेल्थ अच्छी रहती है। अब हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। इसमें बहुत अच्छी अजवाइन की खुशबू आ रही है, बहुत ही देखने में टेस्टी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। अब हम इसे सर्व करते हैं। हम लोग ये अरबी इसमें डाल देंगे सर्व करने के लिए। खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है। अब हम इसको धनिया से गार्निश करेंगे और ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। Thank you.